ऑलराइट गाइस, तो प्रोजेक्ट के मतलब काल की मूवी के क्लाइमेक्स रिलीज हो चुके हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि ये मूवी फ्यूचर पे होने वाली है, मतलब कि 2024 से ये मूवी शुरू होगी और 2898 तक इस मूवी में फ्यूचर दिखाए जाएंगे। मतलब कि यार आप इस क्लाइमेक्स में ये गने देख सकते हो, कितनी एडवांस लेवल की गने हैं। और आप ये वाला सीन देख सकते हो, एक आदमी के पास बहुत एडवांस लेवल की गन है और बाकी सब लोगों के पास त्रिशूल है। और इसी के साथ बहुत सारे इस क्लाइमेक्स में हिंट दिए गए हैं कि ये मूवी होने वाली है महाभारत के ऊपर, क्योंकि यार इस मूवी का नाम ही कालकी है। और कालकी और कलयुग के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना है तो आप सिर्फ असुर वेब सीरीज देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, वो आपको जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। वेल दोस्तों, यार इस क्लाइमेक्स में मैंने एक बहुत बड़ी चीज नोटिस की है, आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज को नोटिस करना कि इसमें जितने भी कैरेक्टर दिखाए जैसे दीपिका, प्रभास, तो इन सबके चेहरे पर बहुत खतरनाक वाला इमोशन है। मतलब कि यार मैंने इस क्लाइमेक्स में किसी का भी चेहरा हंसता हुआ नहीं देखा, सबके सब इमोशनल हैं। अब यार इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, बट यार जिस तरीके के इसमें सीन्स दिखाए गए और जो फ्यूचर वाली चीजें दिखाई गई है वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब कि यार ये 12 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली बहुत खतरनाक मूवी होने वाली है। वेल दोस्तों, इसका बजट 600 करोड़ है और इसके कास्ट में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, प्रभास, दिशा पटानी और अपने सूर्या सर भी हैं, जिनकी भाई साहब मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं। वेल दोस्तों यार ये महाभारत बेस्ड फ्यूचरिस्टिक मूवी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।